Hello everyone, this is another theorem which is compensation theorem. According to compensation theorem, यदि हमारे पास कोई network है और उससे एक impedance connected है Z और उस impedance से flow होने वाला current I है, तो इसे हम इस impedance को हम simply एक dependent voltage source से replace कर सकते हैं, जिसका की value होगा I into Z. इसके across जो voltage drop था, ये उसका value होगा. सिमिलरली यदि कोई इम्पिडेंस जेड है और उसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, तो उसे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स से रिप्लेस किया जा सकता है, जिसका की वैल्यू होगा वी बाय जेड. जैसा कि यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया है, अगर हमारे पास नोन वोल्टेज ड्रॉप होता तो हम इसको एक सिंपली करंट सोर्स से, डिपेंडेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते थे, जिसका वैल्यू होता वी बाय जेड. नेटवर्क में कहीं भी कुछ चेंजेस होते हैं तो ये करंट आई अफेक्ट होता है. ये आई अफेक्ट होता है जिसके कारण से ये वीसी जो है वो चेंज होगा. तो इसीलिए हमने कहा है कि यहाँ हम एक डिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्लेस कर रहे हैं. हम इसको इंडिपेंडेंट सोर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनसेशन थ्योरम है. ये कंपनसेट करता है सर्किट में होने वाले चेंजेस को. इसका एप्लीकेशन होता है ब्रिज सर्किट में, जहाँ पर कि ब्रिज यदि बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है और नल कंडीशन रहती है. यदि ब्रिज की ब्रांचेस में कहीं इम्पीडेंस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो नल कंडीशन से वो वेरी कर जाता है. ऐसी सिचुएशन में हम कंपनसेशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं. हम इनिशियली सर्किट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ हमारे पास में बीटीएच है, ये हमारे पास में ZTH है और ये हमारा Z था. जो नेटवर्क था हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया. तो ये क्या हो गया हमारा, हमने कहा है हमें कभी नेटवर्क नहीं पता होता है. थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी नेटवर्क नहीं पता है, हमें उसे फाइंड आउट करना है, हम उसे सिंपली उसे रिप्लेस कर सकते हैं या नॉर्टन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया. यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I है, से हमने ऐसा अज्यूम किया. नेक्स्ट, जब हम कंपनसेशन थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, यदि इम्पीडेंस में कुछ चेंजेस आते हैं मान लीजिए ये डेल्टा जेड है, तो अब यहां से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा आई डैश. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाय जेड टी एच प्लस जेड. इन दिस केस व्हाट इज आई डैश, आई डैश इज इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाय जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड. डेल्टा जेड उसका चेंज इन इम्पीडेंस है हमारा. यहां से हम क्या डिफरेंस है या डेल्टा आई क्या है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज डेल्टा आई, डेल्टा आई इज इक्वल टू आई डैश माइनस आई विच इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस वी टी एच अपॉन जेड टी एच प्लस जेड. डेल्टा आई इज इक्वल टू जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड टी एच प्लस जेड वी टी एच मल्टीप्लाइड बाय जेड टी एच प्लस जेड माइनस वी टी एच मल्टीप्लाइड बाय जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड. फर्दर सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा हमें, ये वी टी एच जेड टी एच, ये वी टी एच जेड टी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वी टी एच जेड, ये वी टी एच जेड कैंसिल हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ वी टी एच डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड टी एच प्लस जेड. ये हमारा हो जाएगा डेल्टा आई. अब हम जानते हैं कि हमारा आई का वैल्यू क्या था, आई इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन दिस.
तो वी टी एच अपॉन दिस ये हमारा आई है, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस ऑफ. नाउ दिस इज वी सी, डेल्टा आई इज इक्वल टू वी सी अपॉन जेड टी एच प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड, वेयर वी सी इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा जेड. तो यहाँ हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, कंपनसेशन थ्योरम क्या बताता है हम एक बार देख लेते हैं. जेड टी एच z डेल्टा z vc डेल्टा. कंपनसेशन थ्योरम बोलता है कि यदि कोई भी चेंज इंपेडेंस में होता है तो वो चेंज हम फाइंड आउट करने के लिए करंट में चेंज होगा, यदि कोई भी चेंज इंपेडेंस में होगा तो आई चेंज होगा. आई चेंज होगा वो कितने वैल्यू से चेंज होगा, डेल्टा आई वैल्यू से चेंज होगा. तो ये डेल्टा आई कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम आइडियल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, जो कि कंपनसेशन वोल्टेज है जिसका की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था वो, और बाकी जितने भी सोर्सेज सर्किट में होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज उनको हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, तो उतना चेंज करंट का हमें फाइंड आउट करते आ जाएगा.